और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, माई बिल्डर पर आईटी के छापे में खुलासा हुआ है। जांच के दायरे में है 150 बेनामी फ्लैट। कादिर से पूछताछ कर रहा है इनकम टैक्स। 2000 फ्लैट जमीन के दस्तावेजों की जांच की जा रही है, नोटिस जारी करेगा इनकम टैक्स। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। तुषार, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल पिछले चार दिनों से एमआई बिल्डर के तमाम ठिकानों पर लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। कादिर अली जो एमआई बिल्डर का मालिक है, उससे पूछताछ भी करी। 150 बेनामी संपत्तियां मिली और 2000 फ्लैटों के दस्तावेज भी इनकम टैक्स खंगाल रही। इसके अलावा कई नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के पैसे भी इसमें लगने के पुख्ता सबूत जो है वो इनकम टैक्स विभाग को मिला है। इसके अलावा राकेश बहादुर जो प्रमुख सचिव रह चुके हैं यूपी सरकार में, उनके भी ठिकानों पर छापेमारी करके कई अहम दस्तावेज इनकम टैक्स विभाग को मिले थे। साथ ही 20 करोड़ के फ्लैट में राकेश बहादुर रहते हैं, जिसका किराया वो 50,000 देते हैं। तो ऐसे में इनकम टैक्स को ये डाउट है कि राकेश बहादुर जिस फ्लैट में रहते हैं वो उनकी बेनामी संपत्ति है। तो तमाम अधिकारियों के भी पैसे इसमें लगने की बात सामने आई है। तो देखना ये होगा कि इनकम टैक्स और क्या क्या राज उगलवा पाता है कादिर अली से, लेकिन इनकम टैक्स लगातार कादिर अली से पूछताछ कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया तुषार ये जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए।